अब बारी है लोकसभा चुनाव की। हालांकि अभी चुनाव का प्रोग्राम जो है आयोग ने जारी नहीं किया है, लेकिन राजनीतिक दलों में उठापटक शुरू हो गई है। इससे जुड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे। स्वागत है आपका लोकसभा टीवी पर, मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अरुण सिंह चौहान समेत जिला पंचायत के कई पदाधिकारी भाजपा में शामिल, उपेक्षा से थे परेशान। ट्रेनों में बड़ी चोरी की घटनाएं, 3 मामलों में 11 लाख से अधिक की नकदी और माल पार, जांच जारी। शरणा से शबरी तक का सफर मंच पर हुआ साकार, भोपाल के कलाकारों ने अभिनय से दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध। और स्मार्ट सिटी परियोजना का काम अगले 5 साल तक रहेगा जारी, सेकंड फेज के चयन की निगम कमिश्नर ने दी जानकारी। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। खबरों को देख लेते हैं विस्तार से। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। अंतागढ़ के चर्चित पूर्व विधायक मंतूराम, जिला पंचायत बिलासपुर के अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान, सभापति राजेश्वर भार्गव, राहुल सोनवानी, अन्य कांग्रेस नेता और जनता कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और भाजपा अध्यक्ष किरण देव सिंह ने उन्हें भाजपा में प्रवेश कराया। बिलासपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र देकर भाजपा में शामिल हो गए। इसके पहले सोमवार को इस आशय का पत्र जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय कशरवानी को सौंप दिया। सुबह वे अपने समर्थकों के साथ रायपुर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण देव सहित भाजपा के प्रमुख पदाधिकारियों की मौजूदगी में भाजपा की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। इसके अलावा जिला पंचायत के सभापति राजेश्वर भार्गव और राहुल सोनवानी के अलावा अन्य कांग्रेस के नेता भी प्राथमिक सदस्यता छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। बता दें कि अरुण सिंह चौहान कांग्रेस की कुटी राजनीति के हिसाब से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव के करीबियों में माने जाते रहे हैं। विधानसभा चुनाव के समय उनकी उपेक्षा की गई। जिला पंचायत चुनाव में वे कोटा क्षेत्र से ही चुनाव जीतकर पंचायत की राजनीति शुरू की थी। संख्या बल व गुटी राजनीति के हिसाब से जिला पंचायत के पद पर वे काबिज हुए। विधानसभा चुनाव के समय संगठनों की बैठकों के अलावा जरूरी रणनीतिक बैठकों से उन्हें दूर रखा गया। भेदभाव और उपेक्षा को ही कांग्रेस से मोह भंग होने का कारण माना जा रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। कांग्रेस सरकार में कृषि और जल संसाधन मंत्री रहे रविंद्र चौबे सोमवार को अल्प प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे। पत्रकारों से चर्चा में कहा, लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, पहले की तुलना में उनकी पार्टी बेहतर नतीजा देगी। साय सरकार पर रिमोट से संचालित होने का उन्होंने आरोप लगाया। कांग्रेस के पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, विधानसभा चुनाव का परिणाम अप्रत्याशित था, जिस पर विचार जारी है। 3 महीनों में साय सरकार के कामकाज का नतीजा निकालना जल्दी होगा, लेकिन जनता को यह अच्छी तरह समझ आने लगा है कि यह सरकार दिल्ली के रिमोट से चलती है। विधानसभा में भी हमें लगता था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी, अब किन अप्रत्याशित कारणों के कारण हमें पराजय मिली, पार्टी इसको सोच रही है, देख भी रही है। और 3 महीने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने छत्तीसगढ़ में हो गया है, तो लोगों ने ये महसूस करना प्रारंभ कर दिया है। वैसे किसी सरकार के लिए 3 महीने का कार्यकाल कोई बहुत ज़्यादा रिजल्ट देने का कार्यकाल नहीं होता, उसके बावजूद भी लोगों को महसूस हो रहा है कि शायद ये सरकार दिल्ली की रिमोट से चलने वाली सरकार है। श्री चौबे सोमवार को बिलासपुर में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान अचानक भाजपा में प्रवेश कर गए, इस पर पूर्व मंत्री ने कहा, राजनीति में ऐसा होता है, जब भी चुनाव आते हैं तो ये घटनाएं होती है, इसे मैं मौका परस्त नहीं मानता, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। किन कारणों से दिया ये तो मुझे जानकारी नहीं है, उसके बावजूद भी जहां जब भी इलेक्शन चुनाव नज़दीक आता है इस प्रकार से कुछ घटनाएं होती ही हैं,
ये भी उसी का एक हिस्सा है मान लीजिए। मौका परस्त कांग्रेसी हैं जो अपने छोड़ रहे हैं कांग्रेस के साथ। मैं अपने कांग्रेसी साथी को मौका परस्त नहीं कहूँगा, लेकिन अब पार्टी में रेजिग्नेशन किस तरीके से हुआ, भारतीय जनता पार्टी में शामिल किस तरीके से हुए, ये तो उनके व्यक्तिगत रूप से उनकी सोचने की बात हुई। छत्तीसगढ़ भवन में पत्रकारों से बातचीत में कहा, 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले किसी को महसूस नहीं हुआ कि भाजपा सरकार बनाएगी। एग्जिट पोल के नतीजे भी बेकार साबित हुए। उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव कराने कांग्रेस की मांग जारी रहने की बात कही। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। इस दिन महाशिवरात्रि पर्व होने की वजह से महिलाएं उपवास करेंगी। इससे पहले शहर में महिला दिवस मनाने का क्रम शुरू हो गया है। रविवार को टेलीफोन एक्सचेंज रोड में स्थित एक होटल में गुलदस्ता ग्रुप की महिला सदस्यों ने ये दिवस उत्साह से मनाया। इस दौरान यहाँ महिलाओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अलग अलग क्षेत्रों में अपने दम पर कार्य करने वाली महिलाओं का परिचय के साथ ही आवश्यक जानकारियां भी एक दूसरे से साझा की गई। ग्रुप की प्रमुख रीता राजगीर, मशहूर अधिवक्ता निरुपमा वाजपेयी, अनीता दुआ ने बताया कि इस तरह के आयोजनों से उन्हें काफी कुछ सीखने समझने मिलता है। तारीख को शिवरात्रि पड़ती है तो उस दिन हम महिलाओं का व्रत रहता है, तो गुलदस्ता ग्रुप की सभी सखियों के द्वारा ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसमें हमारी सभी 35-40 सखियाँ आई हैं और विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से आई हैं, जो सभी जानकारियाँ दे रही हैं कि हमको महिला दिवस सिर्फ एक दिन नहीं, हमेशा अपने लिए आवाज़ उठाना चाहिए, बात करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। एक दिन विशेष नहीं होना चाहिए, हमारे लिए हर दिन विशेष होता है। विभिन्न क्षेत्रों से सभी महिलाएं, चाहे वो घरेलू हो, वर्किंग हो और तरह तरह के क्षेत्रों से आई हैं, सभी ने अपनी अपनी बातें यहाँ शेयर की सबके साथ, और जो जानकारियां हैं कर्तव्य के साथ जो अधिकार हैं उनका भी एक यहाँ पर लोगों को बताया गया, और ये भी किया गया कि ये आसपास जितनी महिलाएं हैं वो अपने लिए तो और अपने आसपास की महिलाओं को भी जागरूक करेंगी, उनके अधिकारों और कर्तव्यों को बताएंगी, और कहीं भी अन्याय होगा उसके विरुद्ध एकजुटता से खड़ी होंगी। बहुत सारी सखियों ने भाग लिया, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दी, साथ ही साथ रस परिवर्तन कर होली के गीत गाए गए, फाग और नृत्य प्रस्तुति की गई, बहुत शानदार कार्यक्रम था। शालीमार कुर्ला एक्सप्रेस और हावड़ा मुंबई मेल के एसी कोच में चोरों ने 3 यात्रियों को निशाना बनाया। गहने और नगद मिलाकर 11,40,000 रुपए की चोरी की गई है। यात्रियों ने इस घटना की रिपोर्ट रायपुर रेलवे स्टेशन पहुंचकर जीआरपी थाने में दर्ज कराई। घटना रायगढ़ से बिलासपुर के बीच की है, इसलिए रायपुर जीआरपी ने शून्य में अपराध दर्ज कर केस डायरी बिलासपुर जीआरपी थाने को भेज दी है। बिलासपुर में अपराध कायम कर जीआरपी ने जांच शुरू कर दी है। मतलब साफ है कि आप ट्रेन में सफर करते हैं तो अपने सामान की सुरक्षा आपको खुद करनी पड़ेगी, तो इसलिए सफर के दौरान सतर्क रहिए। निकेट लेख एवेन्यू काके रोड रांची झारखंड निवासी मधुसूदन अग्रवाल शालीमार कुर्ला एक्सप्रेस के A1 कोच की बर्थ नंबर 39-31-13-4-12 में परिवार के 6 सदस्यों के साथ राउरकेला से रायपुर के लिए यात्रा कर रहे थे। रायपुर में उनकी बेटी रहती है, यहाँ कुछ नेंगचार का कार्यक्रम था। बिलासपुर से ट्रेन रवाना होने के बाद सुबह 7:10 पर देखा तो सीट नंबर 31 के नीचे रखा काले रंग का सूटकेस गायब था, जिसे कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया था। सूटकेस के अंदर कपड़े के अलावा सोने की 2 चूड़ी, 1 हीरे का नेकलेस, हीरे की कान की बालियां, अंगूठी, सोने की 1 चेन, कान की बाली, अंगूठी समेत 6,10,000 रुपये के गहने रखे हुए थे। इस घटना की जानकारी उन्होंने तत्काल TTE को दी। इसके अलावा 139 हेल्पलाइन नंबर पर भी शिकायत दर्ज कराई। दूसरी घटना भी शालीमार एक्सप्रेस की ही है,
झारखंड सरायकेला निवासी संजय कुमार चौधरी ए कोच के बर्थ नंबर 41, 38, 42 और 40 में परिवार के साथ टाटा नगर से रायपुर के लिए यात्रा कर रहे थे। दो ट्रॉली बैग बर्थ नंबर 37 के नीचे रखे हुए थे। जब ट्रेन झारसुगड़ा पहुंची तो उनकी आंख लग गई। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में नींद खुली तब उन्होंने देखा कि दोनों ट्रॉली बैग नहीं थे। बैग में उन्होंने कपड़ों के अलावा 5 लाख रुपये नकद रखे हुए थे। इस मामले की रिपोर्ट भी प्रार्थी ने रायपुर जीआरपी थाने में दर्ज कराई है। तीसरी घटना हावड़ा मुंबई मेल ट्रेन की है। पश्चिम बंगाल के बांकुरा निवासी अरुण दास अपनी सासू मां का इलाज कराने के लिए मुंबई जा रहे थे। उनका रिजर्वेशन 43, 44 और 45 नंबर बर्थ में था। उन्होंने ट्रॉली सूटकेस के नीचे चेन से बांध कर रखा हुआ था। सुबह 8 बजे नींद खुली तो देखा सूटकेस गायब था, जिसके अंदर 20,000 रुपये नकद समेत 30,000 रुपये के सामान थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद बिलासपुर रेलवे के दोनों सुरक्षा विभाग जीआरपी और आरपीएफ का मामला सख्ते में आ गया। दोनों ने जांच के लिए अलग अलग टीम बनाई। यह टीम संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। वहीं रायगढ़ से लेकर बिलासपुर तक जितने भी रेलवे स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनके फुटेज खंगाल रही है। जल्द ही ठोस सुराग मिलने की उम्मीद है। रेलवे स्टेशन के अलावा जीआरपी की एंटी क्राइम टीम को भी शहर के सभी होटल और लॉज की जांच करने की जिम्मेदारी मिली है। टीम के सदस्य सभी जगह जाकर पूछताछ कर रहे हैं। होटल के कमरों में भी ठहरे लोगों के बारे में जानकारी ली जा रही है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। इधर होटल हेवंस पार्क में फिर से विवाद सामने आया है। हथियार लेकर कर्मचारियों को धमकाने का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक हाथ में चापड़ लेकर होटल कर्मचारियों को धमकी दे रहा है। जानकारी के अनुसार मामला 2 मार्च का है। सिविल लाइन पुलिस को सूचना मिली कि हेवंस पार्क होटल में एक व्यक्ति लोहे का चापड़ लेकर कर्मचारी और ग्राहकों को डरा धमका रहा है। सूचना पर सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम हरिओम अग्रवाल निवासी खरसिया बताया। पुलिस ने 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। देर रात होटलें खुलेंगी, शराब परोसा जाएगा तो नतीजा ऐसा ही कुछ मिलेगा। पुलिस को सतर्क रहने की जरूरत है। व्यक्ति के पास से चापड़ प्राप्त हुआ, जिस पर थाना सिविल लाइन में 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। और हेवंस बार भी जो देर रात्रि तक खुला था, उसके मैनेजर के विरुद्ध भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। कौन कौन लोग थे, कितने लोग थे वहाँ? वहाँ एक ही व्यक्ति था, अपने परिवार के साथ गया हुआ था, जिसके पास से चापड़ प्राप्त होने पर उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है। जोनल स्टेशन की पार्किंग व्यवस्था सुधारने का नाम नहीं ले रही। हाल ही में बाइक पार्किंग संचालक के खिलाफ 50,000 रुपए का जुर्माना रेलवे ने लगाया था। इसके बाद भी वो अपनी मनमानी कर रहा है। ताजा मामला रेलवे स्टाफ पार्किंग का है। यहाँ भी ठेकेदार के आदेश पर बाहरी वाहनों को रखा जा रहा है। वहीं बकायदा वाहन मालिकों से पैसे भी किराए के रूप में वसूल किए जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन की पार्किंग हमेशा से विवादों में रही है। आए दिन यहाँ की अव्यवस्थाओं को लेकर यात्री और उनके परिजन शिकायत करते हैं। कुछ दिन पहले ही एक यात्री पार्किंग में पहुंचा और उन्होंने स्टैंड में खड़ी गाड़ी की रसीद गुम होने की जानकारी दी। इस पर कर्मचारी ने उससे अवैध वसूली की, जिसके बाद मामला सही पाए जाने पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए पार्किंग संचालक के खिलाफ 50,000 रुपये का जुर्माना किया। जुर्माना करने के साथ ही रेल प्रशासन ने पार्किंग संचालक को स्पष्ट कह दिया था कि अब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो जुर्माना के साथ साथ पार्किंग का टेंडर ही निरस्त कर दिया जाएगा। लेकिन इसका भी असर बाइक पार्किंग के ठेकेदार पर नहीं पड़ रहा है। वह आए दिन अपनी मनमानी करते नजर आ रहा है। अब तो ठेकेदार ने हद पार कर दी है। आपको बता दें कि रेलवे स्टाफ के पार्किंग में ठेकेदार के निर्देश पर उनके कर्मचारियों द्वारा दूसरे वाहनों की पार्किंग कराई जा रही है। बकायदा उन वाहन चालकों से पैसे भी वसूल किए जा रहे हैं। जब इस संदर्भ में ठेका कर्मी से पूछा गया तो उसने स्पष्ट कहा कि कुछ गाड़ियां आती हैं जिसे पार्क करवा कर पैसे वसूल कर रहा है, जिससे उसका खर्चा पानी निकलता है। देखो बाहरी गाड़ी क्या, एक आध दो घुस जाते तो हम उसे पैसा ले लेते हैं, एक आध दो गाड़ी घुस जाता है बाहरी गाड़ी। बाकी पूरी स्टाफ पे गाड़ी है, जितने भी बाहरी गाड़ी आपको 10-12 गाड़ी लग जाता है। अब उससे हम 10 रुपए के हिसाब से लेते हैं अपना पार्किंग जो है। ये प्रावधान है क्या ठेके? नहीं तो अब प्रावधान, अब हमारा मालिक वहाँ बैठा, अब उनसे बात करो भैया, मेरे को तो 12 साल हो गए यहाँ पर। जिस जगह पर रेलवे स्टाफ के वाहनों को पार्क कराया जा रहा है, उसी जगह पर ठेकेदार अपनी मनमानी करते हुए बाहरी गाड़ियों को पार्क करा रहा है। बाकायदा इन लोगों से पैसे भी वसूल किया जा रहा है।
लेकिन रेलवे के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यदि इसी प्रकार की छूट ठेकेदार को दी जाती रही तो आने वाले दिनों में यहाँ यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब देखना यह है कि रेलवे के उच्च अधिकारी इस ठेकेदार के विरुद्ध कब तक ठोस कार्रवाई करते हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। रामायण की शबरी को भोपाल के कलाकारों ने मंच पर जीवंत कर नाट्य प्रेमियों को अभिभूत किया। शहर में हुए रंग संगम नाट्य महोत्सव की आखिरी प्रस्तुति के रूप में संगीतमय नाटक शबरी खेला गया। उम्र के आखिरी पायदान पर पहुंचकर शबरी प्रभु श्री राम को सम्मुख पाती है, फिर संसार से विदा लेती है। किसी फिल्मी कहानी की तरह यहां से फ्लैशबैक शुरू होता है। मंच पर युवा श्रमणा सखियों के साथ दिखाई देती है। शहर में हुए 3 दिवसीय रंग संगम नाट्य महोत्सव के आखिरी दिन भोपाल के रंग त्रिवेणी ने नाटक शबरी की प्रस्तुति दी और दर्शकों को मोहित किया। रामायण के शबरी कथासार दृश्यों के जरिए धार्मिक प्रवृत्ति की श्रमणा शादी के बाद भील समुदाय में फैली कुरुति और अधर्म से डरकर मतंग ऋषि की शरण में आती है। भावपूर्ण दृश्यों को संगीत से सजाकर निर्देशक रचना मिश्रा ने सूत्रधार युवक युवती से प्रस्तुति को गति दी है। रिकॉर्डेड संवादों पर कलाकारों का अभिनय दर्शकों को मोहित करता है। खासकर श्रमणा के युवा और बुजुर्ग किरदार में दोनों कलाकारों ने उनके शबरी तक का सफर बखूबी अंजाम दिया है। नर्मदा नगर के सामुदायिक भवन में 3 दिनों तक रंग उत्सव मनाया गया। अंतिम प्रस्तुति शबरी के जीवन पर आधारित नाटक खेला गया। फ्लैशबैक से होते हुए नाटक का अंत शबरी की लंबी प्रतीक्षा समाप्त होने, राम से मिलने, उन्हें बेर खिलाने का दृश्य मंच पर साकार होता है। समर्पण, प्रेम और आस्था की त्रिवेणी श्रमणा यानी शबरी के जीवन का भक्ति पक्ष मंच पर भोपाल के कलाकारों ने जीवंत किया और खूब वाहवाही बटोरी। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बिलासपुर मुस्लिम मनिहार जमात का चुनाव रविवार रात मगरपारा स्थित अंबेडकर स्कूल में संपन्न हुआ। सहायक पंजीयक के आदेश पर विधिवत चुनाव की प्रक्रिया पूरी की गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में एडवोकेट विभाकर सिंह ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। इस दौरान मतदान के जरिए सह सचिव के रूप में शेख जुबेर, खजांची मोहम्मद इदरिस, सचिव मोहम्मद वसीम, उपाध्यक्ष सलीम अहमद को चुना गया। इसी तरह अध्यक्ष के रूप में वसीम अहमद को निर्विरोध चुन लिया गया। चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के बाद जमात के लोगों ने विजयी सभी पदाधिकारियों को फूल मालाओं से लाद दिया। जिम्मेदारी संभालने वाले समाज के प्रमुखों ने कहा कि समाज के हित में कई तरह के कार्य किए जाएंगे। मुस्लिम मनिहार समाज का चुनाव था जो कि जिला स्तर पे था और ये 3 साल के लिए निर्वाचित है। उनके बायलॉज के अनुसार कि 3 साल के लिए निर्वाचित हुए हैं। शांतिपूर्ण से एक परिवार के माहौल पे
बहुत अच्छे ढंग से चुनाव हुआ, सब में प्रेम थी, सब में शांति थी। जैसा कि नियमता चले आ रहा है और जो लोकतंत्र की प्रक्रिया है उसके अनुसार ये चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें जो जो मूलभूत रूप से रखा जाता है अधिकारी वर्ग को उन सबको रखा गया था, और इसमें जो लोग भी निर्वाचित हुए हैं मेरी तरफ से उन सबको बधाई और समाज को आगे लेकर जाएं। समाज में जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें कमियां हैं और इसके पहले जो भी रहे हैं पद पर उन सबको भी बधाई, वो सब लोग भी प्रयासरत रहे और फिर से वसीम साहब चुन कर आए हैं, हमारी उनसे आशा है और हमारे पूरे समाज की आंख उन पर लगी हुई कि वो आगे लेकर जाएंगे। 3 माह कंप्लीट होने में कुछ दिन बाकी थे, उस हिसाब से हमने जो भी पंजीयन का नियम है उस नियमों के तहत हमने इश्तेहार वगैरह छपा के जो भी उसके बाइलाज का कानून है उसके तहत हमने आज चुनाव सम्पन्न कराया, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए हमने अपने साथी और भाइयों को भी बुलाया था कि आ जाइए, सब मिलजुल करके एक साथ चुनाव लड़ते हैं, मिलजुल के आगे काम करेंगे, मगर नहीं आया कोई दूसरा नाम, इसलिए निष्पक्ष रूप से एक मत होके वो मुझे जो है चुन लिया गया। आनंद निकेतन में पढ़ने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का परीक्षण कराने शिविर का आयोजन सोमवार को किया गया। जबलपुर से आए एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने यहाँ अपनी सेवाएं निःशुल्क दी और परामर्श में पौष्टिक आहार के जरिए शारीरिक कमियां दूर करने कहा। लिनेस क्लब बिलासपुर के सहयोग से शिविर लगाया गया, जिसमें विद्यार्थियों के साथ आनंद निकेतन की अध्यक्ष वीना अग्रवाल और शिक्षकों ने अपने स्वास्थ्य का परीक्षण कराया। मूक बधिर बच्चों की सेहत और बौद्धिक विकास के लिए यहां समय समय पर कार्यक्रम किए जाते हैं। लिनेस क्लब की सदस्य गायत्री कश्यप और विजय अग्रवाल ने शिविर में सहयोग किया। जब बच्चों का आपने देखा तो आपका पहले तो कहना था कि बच्चों को जनरली प्रॉब्लम कम होती है, और ये ईश्वर की कृपा है कि हमारे आनंद निकेतन के बच्चे बहुत स्वस्थ हैं, जैसा डॉक्टर भी देख रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो आपने बताई बच्चों के लिए कि किसी बच्चे में प्रोटीन की कमी है तो वो उनको अपन गुड़ और मूँगफली खिलाए, तो हमने इसको ये तय किया कि सभी बच्चों को डाइट में शामिल करें, डाइट में इसको शामिल कर लेते हैं। निश्चित रूप से इन बच्चों को आज क्या जो जांच हो रही है इससे फ़ायदा मिलेगा, स्टाफ को भी डॉक्टर साहब देखने वाले, और सबसे बड़ी बात है कि आज डॉक्टर साहब अपनी फ्री सेवाएं इन बच्चों के लिए दे रहे हैं। छोटा सा इंस्ट्रूमेंट जो आप देख रहे हैं इसका नाम एकुलाइफ है, ये एकुपंचर की मशीन है जो हमारे आपके शरीर की जांच भी करती है और हमारे आपके बीच में जो भी बीमारियाँ उस समय आपको समझ में आएंगी उस बीमारी से आप पूरी तरह से उससे ठीक भी कर सकते हैं। आइए दर्शकों एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। अरुण सिंह चौहान समेत जिला पंचायत के कई पदाधिकारी भाजपा में शामिल, उपेक्षा से थे परेशान। ट्रेनों में बड़ी चोरी की घटनाएं, 3 मामलों में 11 लाख से अधिक की नकदी और माल पार जांच जारी। शमना से शबरी तक का सफर मंच पर हुआ साकार, भोपाल के कलाकारों ने अभिनय से दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध। और स्मार्ट सिटी परियोजना का काम अगले 5 साल तक रहेगा जारी, सेकंड फेज के चयन की निगम कमिश्नर ने दी जानकारी। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। कलेक्टोरेट के मंथन सभा कक्ष में सोमवार को समय सीमा की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने आधार सीडिंग की प्रगति की समीक्षा की। 6 तारीख तक अनिवार्य रूप से बचे हुए 25,000 महिलाओं के सीडिंग का कार्य उन्होंने पूरा करने के निर्देश दिए। श्रम विभाग द्वारा संचालित शहीद वीर नारायण सिंह अन्न सहायता योजना का विस्तार शनिश्री बाजार क्षेत्र में किया जाएगा, जिसके लिए जगह का चिन्हांकन किए जाने की जानकारी दी गई। इस मौके पर निगम आयुक्त अमित कुमार ने जानकारी दी कि राज्य में केवल बिलासपुर शहर का चयन स्मार्ट सिटी परियोजना के सेकेंड फेज के लिए कर लिया गया है, आने वाले 5 सालों तक परियोजना के कार्य जारी रहेंगे। साप्ताहिक जनदर्शन में कलेक्टर के पास तरह तरह की समस्याएं और मांग सामने आई है। शहर के अलग अलग और दूर दराज से आए ग्रामीण और बुजुर्गों ने बीपीएल राशन कार्ड, उप स्वास्थ्य केंद्र की मांग, मिसल जानकारी, पशु शेड निर्माण, सम्मान निधि दिलाने की गुहार के साथ कई अन्य समस्याओं के आवेदन कलेक्टर को दिए हैं। निराश्रित पेंशन से लेकर जल निकासी, सड़क नाली बनाने और अधिग्रहित जमीन का मुआवजा देने की भी लोगों ने गुहार प्रशासन से लगाई है।
स्मृति स्पोर्ट्स वॉलीबॉल क्लब राजकिशोर नगर बिलासपुर के तत्वाधान में राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बेलतरा विधानसभा की विधायक सुशांत शुक्ला, वार्ड 51 की पार्षद संध्या तिवारी, ACC सीमेंट कंपनी के एरिया इंचार्ज अखिलेश बघेल, रोहित पटेल, भाजपा युवा नेता जय वाधवानी, संजीव राव, विकास कुकरेजा, सुशील धर दीवान, पाटलिपुत्र विकास समिति के अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र दास, डॉक्टर शेखर चटर्जी, भागवत प्रसाद राठौर की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हुआ। स्मृति स्पोर्ट्स के अध्यक्ष जो हैं बंटी छाबड़ा ने कार्यक्रम में आए अतिथियों का स्वागत किया। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ प्रदेश के 16 टीमों ने भाग लिया। पहले पुरस्कार के रूप में 11,000 की राशि बांटी गई, द्वितीय पुरस्कार की राशि 7,000 DK सिंह, तृतीय पुरस्कार की राशि 5,000 राकेश सिंह राठौर से और चमचमाती ट्रॉफी प्रथम द्वितीय तृतीय और अन्य आकर्षक इनाम विजेताओं को दिए गए। आयोजन में प्रथम पुरस्कार अंधियार खोल पडरिया कवर्धा, द्वितीय शाइनिंग क्लब भिलाई और तृतीय पुरस्कार भगत सिंह क्लब भिलाई ने पाया। हिंदी की तरह ही विद्यार्थियों ने 12वीं बोर्ड का अंग्रेजी का पर्चा आसान बताया। ग्रामर और पाठ्यक्रम से पूछे गए सवालों पर कहा सभी अच्छे थे, हल करने में परेशानी नहीं हुई। माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाएं चल रही है। सभी 129 परीक्षा केंद्रों में दूसरा पेपर देने विद्यार्थी उत्साह से पहुंचे थे। जिले में 389 विद्यार्थी परीक्षा से अनुपस्थित पाए गए। मंगला में ताबड़तोड़ कार्यवाही से मंगला भैंसाझार मार्ग का अवरोध दूर हो गया। बेजा कब्जाधारियों के कारण 3 साल से ADB का सड़क निर्माण रुका था। अब जबकि बड़ी संख्या में अवैध निर्माण ढा दिया गया, इससे बाकी सड़क बनाना आसान हो गया, जिससे ये प्रोजेक्ट कुछ महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। मंगला मुख्य मार्ग से पीपल चौक होते हुए दीनदयाल मोड़ तक बड़ी संख्या में कब्जाधारी वर्षों से जमे थे, जिसके कारण लोगों को आवागमन में बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस खबर के साथ ही दर्शकों मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकस्वर टीवी। नमस्कार।